सात साल हो गए सिलाई कर रही हूँ. फ्रॉक बनाती हूँ और सलवार कमीज बनाती हूँ, प्लाजो वाला पेन भी बनाती हूँ, सब बनाती हूँ. बाहर जाने के लिए मजबूर लोग, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, हमको बाहर जाना पसंद नहीं आता है. कोई जाता है आकड़े तोड़ने, कोई जाता है उधर, हमको पसंद नहीं, इसलिए हमने सीखा हमने काम टेलर की काम. घर का जो आसपास होता है वही करता है, बाहर जाकर नहीं करते सर. गुजारा करने के लिए मुश्किल रहता है, उसी टाइम जाकर मंडी में जाकर अखरोट तोड़ना पड़ता है, वो भी पेट पालने के लिए. घर वाला अगर बीमार हो जाए सर, उसी टाइम करना पड़ता है. अगर घर वाला कमा सकता है उस टाइम नहीं करता है, उस टाइम पर्दा में रहते हैं. हमारे औरत सारे औरत काम करना चाहती है, आगुर तोड़ना हो या सिलाई करना हो और कोई काम हो, सब करना चाहती है. सिलाई के काम भी हमें सिलाने आता, मगर मिशिंग नहीं है ना, इसलिए पैसे भी नहीं है लेने के लिए. क्या करें, दूसरे के घर पे आके सिलाई करते हैं, और कुछ वो लेती है, कुछ हमें भी देती है, मिलजुल के खाते हैं हम दोनों. अगर मैं अकेली होती तो तीन जोड़े बराबर हो जाता दिन पे. सिलाई करने के लिए चाहती है, मशीन वगैरह लेने के लिए पैसे नहीं है. नहीं तो बाप होता है बीमार, नहीं तो माँ होता बीमार, इसीलिए सिलाई कर नहीं सकता, क्योंकि मशीन पहले मशीन लेना पड़ता है सर. बच्चा पालना पड़ता है, घर किराया देना पड़ता है, और बहुत सारे खर्चा है, वो दवाई के खर्चा है, सब करना है. इसलिए एक ही कमाने से ये खर्चा पूरा नहीं होता, इसलिए ये प्रॉब्लम सबको है. खाने का, बच्चों का, कमाने वाला कोई भी नहीं है. 10-20 खाने वाला है, एक बंदा कमाने वाला होता है. इसलिए अगर औरत भी कुछ कमाए, जो घर वाला कमाता है, उसमें थोड़ा टेंशन ख़त्म होता है. तो अभी हॉस्पिटल में बहन को बीमार है, इसलिए उधर हॉस्पिटल में चला गया. जब उधर से आएगा तभी हमें सिलाई से करना सिखा देगा. तो जवान लड़के इधर कोई बोलता हमें सिखाओ, उनको सिखाते हैं, मिशिंग नहीं मिलता सिखाने के लिए. एक मिशिंग है जो हम दोनों मिल के करते हैं. सीख के पापा और मम्मी के हेल्प करेंगे, और जो कपड़ा देगा वही सिलेंगे, सबका हेल्प करेंगे. शौक है ना सबको सिखाने का. अगर मैं सीखूंगा तो दूसरे को सीखूंगा, तो वो किसी और को सिखा सकते हैं. इससे तो मदद हो जाता है, सब सीख सकते हैं इसमें से. बहुत लड़कियां हैं, कम से कम 20-30 होगा, सिलाई करने के लिए चाहता है. चाहे घर की माँ बाप के लिए हेल्प करने के लिए, घर वालों के लिए हेल्प करने के लिए, चाहे बच्चे गुजारा हो जाए, पढ़ाई कर सके, इसीलिए सिलाई करना चाहते. मेरा अभी शादी नहीं हुई, पहले मैं पढ़ाई करूँगी तब शादी करूँगी. बहन को कपड़ा देना या स्कूल में दाखिल करना, किताब, जो सब कुछ तो ले सकते हैं ना पैसा से. जब मदरसा में बहुत पैसा देने मिलता है, जब एक एक साल में दाखिल होते ना 700 या 2000 ले लेते हैं. अगर हम पैसा कमाएंगे तो वो पैसा उधर दे सकते हैं, अगर नहीं कमाएंगे तो उसको दाखिल भी नहीं करा सकते, वो घर में बैठा रहेगा ऐसा. कोई देता कोई नहीं देता इधर औरत को, जब अपनी मर्जी हो तब देते. अगर हम कुछ करेंगे तो अपनी मर्जी से ले सकते हैं, अपनी मर्जी से खा सकते हैं, घर वालों के साथ मदद कर सकते हैं. या बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, अगर कोई घर पे पैसा नहीं होता, कुछ कमाएंगे तो हम कुछ कमाएंगे तो फिर डॉक्टर के पास जल्दी ले सकते हैं ना, ले जा सकते ना. काम सीख के कुछ है. हाँ. कपड़ा सिलने में मिलता है कभी कभी, कभी कभी नहीं मिलता है. और अच्छी तरह सिलने के लिए चाहती हूँ, और कपड़ा भी आना चाहिए, ये भी चाहती हूँ. अब मशीन में बड़ा वाला आना चाहिए, वो भी चाहते हैं, लेकिन पैसा कम है इसलिए नहीं ले पा रही. घर में पैसा आएगा तो फिर जो कुछ भी लड़की को मन करता है लेने के लिए वो लेंगे, कपड़ा वगैरह, खाना, या बहन को पैसा देंगे. जब कोई पैसा नहीं होता तब तो बहन जब पैसा मांगता तब पैसा नहीं होता. अगर हम कमाएंगे तो बहन को भी पैसा दे सकते ना, और उधर बाजार से जो कुछ भी लेने हैं वो ले सकेंगे. अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे लेंगे, तो फिर जब हम कमाएंगे उसको दे सकेंगे, वो पढ़ाई कर पाएगी. और मेरी एक छोटी बहन है जो बीमार है, और जब वो ठीक हो जाएगी उसको भी दाखिल करा पाऊँगी पैसा से, किताब वगैरह ये सब कुछ ले सकती हूँ ना, उसको ले दे सकते हैं.